प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हैं। विषय बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसके पहले ये निवेदन कि आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमें भेजते रहें जो हमें निरंतर मिल रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7000-969-440, 7000-969-440। जीवन में अक्सर हम एक दूसरे से ये कहते हैं, समझ गए ना, समझ में आ गई बात। और कई बार हमारा मन खुद से ये कहता रहता है कि समझ गए, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए। लेकिन ये पहेली हमेशा बनी ही रहती है। पहेली इस मायने में बनी रहती है कि समझ गए, अब तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। समझाने वाले निरंतर चेष्टा करते रहते हैं, शिक्षक, माता पिता, समाज के वरिष्ठ लोग, वरिष्ठ सहयोगी, कई बार छोटे लोग भी जो उम्र में छोटे हैं अपने से बड़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी कहानी वही रहती है कि उनका भी यही जवाब रहता है कि समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तो आखिर ये कोई मिसिंग लिंक है क्या? कोई कड़ी कहीं छूट रही है बीच में कि समझाने वाले उनको ढूंढ रहे हैं कि योग्य शिष्य मिले जिनको वो समझा दें, और योग्य शिष्य योग्य गुरुओं को ढूंढ रहे हैं क्योंकि जो समझाया जा रहा है उससे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको किसी पहेली की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन अक्सर आप और हम ये चीजें सुनते हैं कि लाख समझाया फिर भी उसकी समझ में नहीं आया। अब जो समझ कर भी ना समझे उसको तो क्या कहा, उससे बड़ा ना समझ कौन होगा। लेकिन ये बड़ी विचित्र सी पहेली है। हम सब समझना चाहते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं, सफलता के मर्म को समझना चाहते हैं, गुरु शिष्य को योग्य बनाना चाहता है, शिष्य योग्य होना चाहता है, योग्य गुरु की तलाश करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि न समझने वाला समझ रहा है, न समझाने वाला समझा पा रहा है। तो आखिर कहाँ कोई कड़ी छूट रही है समाज में? अक्सर हम बात करते हैं अपने प्राचीन वैभव की, तो नालंदा, तक्षशिला, सांदीपनी जैसे गुरुकुलों की हम बात करते हैं कि जो ISI की तरह एक मुहर होते थे कि यहाँ से पढ़ के निकले तो सब समझ जाएंगे। लेकिन समाज जिस तरह से एक अजीब से दौर से गुजर रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है कि ना ठीक से समझाया जा रहा है, ना ठीक से समझा जा रहा है, ना समझाने वाले अच्छे हैं, ना समझने वाले अच्छे हैं। आज इसी पर बात करेंगे। थोड़ा पहेली जैसा विषय आपको ज़रूर लग रहा होगा। चलेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता, अद्भुत वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। आज आपने शरद जी एक पहेली जरूर रखी है, लेकिन जब इस पहेली पर मैं आपको सुन रहा था और उस पर चिंतन कर रहा था, तो मुझे एक बड़ी किताब खुलती हुई सी नजर आई, जिसके सहज झरोखे से हम एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य को जान सकते हैं। समझने और समझाने वाले प्रक्रियाओं में यदि हम ध्यान दें तो हमें दो दिखाई पड़ते हैं। हमें लगता है एक समझने वाला है, एक समझाने वाला है। लेकिन मूलतः यदि अध्यात्म की भाषा में कहें तो यहाँ दो नहीं है, एक ही है। उसके दो स्वरूप हो जाते हैं। एक स्वरूप में उसे समझना होता है और एक स्वरूप में उसे समझाने वाला होता है। स्वरूप एक ही होता है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि मन जो है बंधन और मोक्ष दोनों का प्रदाता है। हमारा एक ही मन है जो बंधन भी हमें प्रदान करता है और मोक्ष भी हमें प्रदान करता है। इस मन के कारण ही हम बंधे जाते हैं और इस मन के कारण ही मुक्त होते हैं। तो जब मन बंधा हुआ होता है तो उसे समझाने की जरूरत होती है। मन को ही समझाना है जब वो बंधा हुआ है, तो उसको अपनी समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है कि वो समझे। और जब मन मुक्त हो जाता है तो वो समझाने वाला हो जाता है। वो मुक्त मन जो है वो समझाने वाला हो जाता है। तो ये मन जो है अधोगामी भी है, ऊर्ध्वगामी भी है। आपने अपने घर में चिड़िया का घोंसला देखा होगा, जिसमें एक चिड़िया आपने
अंडा को पाखी बनते हुए देखती है, पाखी बनने के बाद छोटे छोटे पंख वो फुदकते रहती है, चिड़िया तब तक उसके आसपास मंडराते रहती जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेती, और जिस पल वो उड़ना सीख लेती है उस पल चिड़िया उससे मुक्त हो जाती है और वो उड़ना जान गई है। तो हमारा मन बहुतेरे बार हमारे पास ये भी प्रश्न है, आपकी समझने और समझाने में एक गूढ़ रहस्य ये भी है कि हम जो नाना प्रकार के शुभ कर्मों को करते हुए रहते हैं और उनके फल की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं कि हमने बड़े बड़े अच्छे कर्म किए लेकिन हमको फल नहीं मिल रहा है, ये फल कहाँ मिलेगा? फल तब मिलता है जब आप समझ जाते हैं। बिना समझे आपको फल नहीं मिलता, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप नासमझ बनकर समझने का अगर अनुभव करेंगे तो फिर आपको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए आप लगे हुए हैं। एक मंदिर में बैठा हुआ आदमी जो दान पुण्य कर रहा है वो क्या वास्तव में वहां पर इस अंतर चित्त से दान पुण्य कर रहा है? उसका मन एकाग्र है कि हे परमात्मा मैं दान पुण्य कर रहा हूं, लेकिन वो तो इसलिए दान पुण्य कर रहा है कि चार लोग उसे देख रहे हैं इसलिए वो दान पुण्य कर रहा है। तो वहां उसकी मूल समझ हट गई है, अर्थात वो दान पुण्य उसके लिए नहीं कर रहा है जिसके लिए उसे करना चाहिए। शब्द समझना, समझने की आवश्यकता है। समझने का क्रम तीसरा होता है जानना। आप जानते तो हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। जब आपको ये मालूम है कि ये विषैला विष आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, जब आप ये जानते हैं कि झूठ बोलना जो है झूठ अपने सच सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, आप जानते हैं ना, तो जानते हैं तो मान लीजिए, क्या आप उसको अपने जीवन में मान रहे हैं? यदि आप मान रहे हैं तो फिर आप समझ गए, फिर आप समझ गए। आपको समझाने का प्रयत्न बार बार आपका अंतर्मन यही कर रहा है कि तुम ये समझ जाओ कि झूठ नहीं बोलना है, लेकिन आप जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना है लेकिन न मानते हैं। मानने का अर्थ उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं, तो आपको फलश्रुति नहीं होती। आसमान में पक्षी उड़ता है, उसका ठिकाना नीचे होता है। प्रतिकूलता देखिए, मनुष्य उड़ता नहीं है, आसमान में पक्षी उड़ता है लेकिन उसका ठिकाना नीचे, शाम होते ही अपने नीड पर आ जाएगा, घोंसले में आ जाता है। रहता नीचे उड़ता ऊपर है, लेकिन मनुष्य का मन रहता इस धरा पर है लेकिन जाना उसको ऊपर है। तो उसे उड़ना सीखना होगा, वहां जाने के लिए मुक्त होकर निकलना होगा। अच्छा, समस्या ये है कि वो उन सारी चीजों के लिए, अपने जानने के लिए, मानने के लिए नहीं, समझने के लिए नहीं, उन सारी प्रक्रियाओं के लिए वो अपनी इंद्रियों को दोषारोपण देकर बैठ जाता है। अच्छा, आप यदि बोलचाल की भाषा में न्याय की परिधि देखें तो किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी, हत्या हाथ में चाकू लेकर की गई, चाकू का प्रहार किया गया और व्यक्ति खत्म हो गया, वो तो दिख रहा है ना कि चाकू मारा गया और वो चला गया, तो उसको इस आधार पर इंद्रियों के कृत्य के लिए सजा दे दी जाए ना, लेकिन सजा इंद्रियों के कृत्य के लिए नहीं दी जाती। ध्यान रखिएगा, इंद्रियां जो है न जानने वाली है, न समझने वाली है, न मानने वाली है। इंद्रियां उस अश्व की तरह हैं जो मन रूपी लगाम से रथी हुई है ना, तो वो न्याय ये देखता है कि मन क्या था उसका उस समय, क्या वो उसे मारना चाह रहा था या धोखे से मर गया, कहीं आत्मरक्षार्थ के लिए तो नहीं मारा। तो हम इंद्रियों को आधार बनाकर कर्म करते हैं और फलश्रुति के लिए बैठे रहते हैं और समझते हैं कि हम समझ गए। इंद्रियों को आधार बनाकर हम पूजा पाठ तप जप यज्ञ अनुष्ठान शुभाशुभ कर्म करते हैं, कोई फल नहीं मिलता। क्या आपको ये अध्यात्म का सत्य मालूम है कि इंद्रियों के द्वारा किए हुए किसी भी कर्म का फलाफल, अर्थात आपको शुभ लाभ या हानि या पाप और पुण्य आपको नहीं मिलता? और आप सारे कर्म जीवन भर इंद्रियों के अधीन रहकर करते हैं, जबकि आपको किसके अधीन करना है? मन के। आप किसी को धन दे रहे हैं मदद करने के लिए, तो क्या तुम्हारा मन उस धन में लगा हुआ है कि मैं इसकी मदद करूं? यदि लगा हुआ है तो इंद्रियों और मन एक हो गए हैं, आप मानने भी लगे हैं, आप समझने भी लगे हैं। यदि आप कोई पुण्यगत कर्म कर रहे हैं लेकिन भाव आपके अशुद्ध बने हुए हैं, मंदिर में दान देते समय आप देख रहे हैं अच्छा बहुत है यार, इसका ट्रस्टी बन जाता तो मैं भी यहां कुछ नाम कमा लेता, तो आपको आपके मन का फल मिलता है। तो हमारे जो ऋषि थे, आध्यात्मिक संत हैं, उनकी चिंता इस बात की है कि आप समझ जाएं, क्योंकि जानते तो आप हैं, जानते आप हैं, अब समझने के दोनों भाग हो गए। मन ही आपको मुक्त करेगा और मन ही बंधन में आपको पड़ता है।
प्रतिकूलता की स्थिति में ये मन धरा पर ही केंद्रित होता है। मतलब आपके कहने का अर्थ आशय जितना मैं समझ पाया हूँ कि हमारे अधिकांश जो कर्म है वो बंधे हुए ही कर्म है, ना समझी के कर्म है जी। हमारी समझ में वो ऊर्ध्वगामी सिद्धांत शामिल नहीं है। हम इंद्रियों के वशीभूत केवल कर्म कर रहे हैं। जुबान को अच्छा लग रहा है तो खा रहे हैं, आंख को अच्छा लग रहा है तो देख रहे हैं, अपने मूल कर्तव्यों से च्युत हो चुके हैं। देखिए आप समझ लीजिए, अध्यात्म आपको मूल कर्तव्य कहता है कि संसार में एक मन लेकर आपको भेजता है। ये मन एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसके चार भाग हम कर देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसको हम अंतःकरण कह देते हैं। हमारा अंतःकरण भूल जाइए आप, केवल एक मन है। वो मन ऊपर उठकर कर्म कर रहा है कि नीचे जाकर के कर्म कर रहा है? तो आपकी जितनी भी समझ है वो इंद्रियों के लिए नहीं है, इंद्रियां अपना काम करती हैं। आज आपने लेकिन एक बड़ा उत्तर भी दे दिया कि हम में से अधिकांश लोग इंद्रिय जनित अनुभूतियों से संचालित होकर, यानी बिना समझे तथाकथित रूप से पुण्य या अध्यात्म के कार्य भी करते हैं और फिर फल की उम्मीद करते हैं जो मिलना ही नहीं है। पूरी तन्मयता से आप माला जप रहे हैं जी, आपकी आपका ध्यान तो गिनती में है ना। आप पत्थर की मूरत को देख रहे हैं, वो तो पत्थर की मूरत है, लेकिन पत्थर की मूरत की छवि जब पत्थर में दिखने लग जाएगी तब आप समझ जाएंगे। आप बिना समझे वहां बैठे हुए हैं ना, आप मेरी बात समझिए। आप बहुत सुंदर बात, आप कर्तव्य कर रहे हैं इसलिए कि आप काम करना है भाई, कोई विकल्प नहीं है। मन मार कर काम कर रहे हैं या मन के अनुसार अधोगामी कर्तव्यों में चलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जब कर्म और मन में एकीकृत हो जाए, अर्थात वो कर्म जब इंद्रियां आपकी मन की सुने और मन कैसा हो, कांच की बोतल से बाहर निकला हुआ हो, मन भी जो है कांच की बोतल में बंद जिन्न की तरह रख लेते हैं बहुत सारे लोग, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे सब करेंगे, लेकिन उसमें तो वो जल पहुंचा ही नहीं ना, वो शुचिता आई नहीं ना, वो पवित्र हुआ नहीं ना। इसके लिए मेरे पिताश्री एक बड़ी सुंदर उदाहरण दिया करते थे। शरद जी वो कहते थे कि एक कांच के बोतल में शराब बंद है, मदिरा, ढक्कन लगा दिया। अच्छा अब आप उसको जो है एक हफ्ते गंगा जल में डालकर रख दीजिए, जाइए गंगा जी में और नदी में एक हफ्ते बांध कर रख दीजिए और फिर निकालिए, तो क्या वो चरणामृत बन जाएगा क्या? आप कहेंगे क्या कि गंगा मैया से नहा कर आया है, अब इसको चरणामृत मान लिया जाए, बन जाएगा क्या? बोले नहीं, अब बोले वही ढक्कन खोलो और उस मदिरा का विसर्जन बहते हुए गंगा जल में कर दो। आप मदिरा चली गई, अब उसके बाद गंगा जल उठाकर कहो कि अब इसका पान कर लो चरणामृत, तो आप कहेंगे हाँ ये तो मैया गंगा का जल है, आप पान कर लेंगे, तो आप उसमें समाहित हो गए ना। तो इस मन को कांच की बरनी से बाहर निकालिए। कांच की बरनी कौन सी है? ये इंद्रियों ने उसको सुसज्जित रूप से ढक कर रख लिया है। इसीलिए आप जान तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मानने का मतलब होता है उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं और उसको समझ नहीं रहे हैं। सत्संग में आपको बार बार, यही कारण है कि आपको अभ्यास में बार बार ये आदत लगा दी गई है। समझ गए कि नहीं समझ गए, मतलब वो बरनी से बाहर निकला कि नहीं, जल तिरोहित हो गया कि नहीं, वो आवरण से विरक्त हुए कि नहीं हुए। आंख का काम जो भी सामने विषय वस्तु आए उसे देखना है, लेकिन आपको बताना कि उनको नहीं देखना है, इनको देखना है, ये बात तुम्हारे मन को समझना है। तो लगाम जिसकी अच्छी हो जाए चिंतन के साथ में वो बातें, तो कौन समझाएगा? ये मन ही समझाता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी को प्रवचन देकर उसके अंतर चिंतन में परिवर्तन नहीं कर सकता। आपको स्वयं आपका मन एक दिन आपको प्रवचन देता है। इतनी सुंदर बात है, समझिए। एक दिन स्वयं आपको बताता है, क्योंकि वो हरि, वो ऋषि, वो संत, वो गुरु यहीं बैठे हुए हैं सर्वहृदय आकाश में। तुम्हें समझना खुद है, तुम्हें उस चीज को आत्मसात खुद करना है। तो बार बार और एक दो नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रक्रियाएं खर्च हो गई इसमें। आपकी स्मृतियां इंद्रियों पर भारी, बलवान इंद्रियागामी विद्वान समापिकर्षते, बड़े बड़े विद्वानों को बांध लिया इस इंद्रिय सुख ने, बड़े बड़े विद्वानों को इन घोड़ों ने, इन अश्वों ने, हमारे यहां उपनिषद में इन 10 अश्व की कल्पना की गई है। ध्यान रखिएगा, आंख नाक कान इनके भरोसे आप हैं, आप खुद जानते हैं आप नहीं हैं। आंख वही देखेगी जिसे आप देखने कहोगे, कान वही सुनेगा जिसे आप सुनने के लिए कहोगे, हाथ उसे ही पकड़ेगा जिसे आप पकड़ने के लिए कहोगे,
आप ही हो उसके नियंत्रण करता, तो आपने कहीं खुद तो नहीं आप प्रतिकूलता के रास्ते में चलते और फिर शुभ कर्म हाथों से करके दिखा देते हो या आंखों से, अरे साहब मैं तो बड़ा शुभ, आप समझे ही नहीं है, आप समझे ही नहीं, आप समझे इसलिए नहीं है कि आपने मनन नहीं किया, मन में माना नहीं। मानने का अर्थ होता है मनन करना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम नहीं आवत काही, जन्म जन्मांतर तक के ये श्रम इसीलिए कराया जाता है। तभी गुरु अपने शिष्य को कहते हुए कैसे पूछता है, आप समझ गए कि नहीं, इसी भाषा को अनुशासन में फौज में सिखाया जाता है। कोई शक वो पूछते हैं कि कोई संदेह तुम्हारे अंतरचित्त में नहीं, इसका मन मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मन में ये बात मनन के साथ आ गई कि नहीं, इसे स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया। हमारे जीवन में हम आत्मसात से वंचित रहते हैं, हमारे जीवन में हम ऊपर नहीं उड़ना चाहते, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा साक्षी देखता है कि अब उठ, अब उड़, चलना है रैन बसेरा, ऊर्ध्वगामी होना है तुझे, तो अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, ये बीच का डेरा है यहाँ, तो तू इस नश्वर काया के इंद्रियों के माध्यम से किए जाने वाले कर्म को अपना गीता का कर्म समझकर फलाशक्ति में बैठा हुआ तर्क वितर्क करते रहता है, जबकि तू बात समझ ही नहीं पाता, जानता है। तभी आप ध्यान रखिएगा, इन चौपाइयों को जितनी बार सुने, जितनी बार मनन करें, आपके जीवन में एक नया संकल्प आएगा। शरद जी, जानत समझत अनुभवत, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जितनी बार पढ़ा, आप समझिए देखिए इसके तीन श्रेणी बना दी। जानत, जानते हो, मैंने अभी आपसे कहा ना कि दुनिया में कौन ऐसा आदमी है, किसी को गुरु की आवश्यकता नहीं है, मन से बड़ा गुरु कोई नहीं, कोई है। इसलिए तो हमने कृष्ण को मनमोहन कहा है, ये मन को मोहने वाला वही हो, जिस दिन वो मन मोहित उसके लिए हो जाए उस दिन तो आप समझ लीजिए आपको समझने समझाने की सारी क्षमता है। तो जानत, आप जानते हैं, समझत, आप समझते भी हैं जीवन में, लेकिन अनुभव भी आपके पास है, अनुभवत, तीनों चीजें आपके साथ है। आप ध्यान रखिएगा, जानत समझत अनुभवत, तदपि न मानत नीच, और चपरी चपेटे नित गहे और केस गहे के नीच, रोज नित्य प्रति आप संसार के सारे उन सार तत्वों को जानते हैं। और आप ध्यान रखिए, जो लोग नहीं जानते प्रपंचों में पड़े, वो देखे ना न्यायालय में क्या साबित करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करने के लिए लड़ते हैं, वो सत्य को सिद्ध करना चाह रहे हैं ना, तो न्याय की तुलिका भी किस पर टिकी है, आपका इंटेंशन क्या था, आपकी मना स्थिति क्या थी, आपके मन में कौन सी बात थी, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी। यदि ऊर्ध्वगामी की भावना से आपने इंद्रियों जनित कोई भी कर्म किया है तो वो तप है, और इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई भी आपने वो किया है वो पाप है। पाप और ताप में केवल इतना ही अंतर है। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हम तिरोहित नहीं होना चाहते, हम बहना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते, हम समझाना नहीं चाहते, हम दूसरे की प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आकर टेप रिकॉर्ड की तरह हमसे कहे, हाँ देखो ये ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो, हम सुन लें, हाथ जोड़ लें, नमस्कार कर लें और फिर इंद्रियों जनित कर्मों में लग जाएं। आया नहीं, बावला मन, मतवाला मन, ये मन ही बंधन का कारण है। जब भी तुम विषयी जगत में रमते हो, जब भी तुम इंद्रिय जनित कर्म करते हो, जब भी तुम इंद्रिय जनित कर्मों में फल की प्रतीक्षा करते हो, जब भी तुम शरीर को अपने जीवन का अपूर्व महत्वपूर्ण अंग मानकर कार्य करते हो, तब भी तुम ना समझ होते हो, समझते नहीं हो, तो तुम्हें समझाएगा कौन। जब भी तुम अंतर चिंतन की यात्रा करते हो, जब भी तुम्हारा मन निर्मल होता है, आप कहोगे निर्मल करने के लिए क्या प्रयत्न करना है, प्रयत्न छोड़ देना है, मन निर्मल हो जाएगा। आपने प्रयत्न करके ही उसको बांध के रखा, बांध के रखा है। छोड़ना प्रयत्न को, रोज तो सवेरे उठते ही प्रयत्न करते हो, कायम में प्रयत्न कर, समाचार पत्र पढ़ा नहीं कि प्रयत्न शुरू हो गया, आज ये करना है, आज वो करना है, आज इसको देखना है, आज अच्छा हुआ, आज बुरा हुआ। तो जब भी आप स्वचिंतन में लगते हो तब प्रयत्न करते हो, तो जब आप पराचिंतन में पहुंच जाते हो प्रयत्न से तिरोहित हो जाते हो। बहुत सुंदर बात है। और देखिए कितनी, जब आप इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो वो तप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है, जब आप इंद्रियों से ऊपर उठकर कोई काम करते हैं तो वो तप है और वो पुण्य है।
बहुत साधारण और बहुत ही आसान उदाहरण से अगर आप इसको समझें, किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में एक कवि एक शेर, एक कवि या एक शायर अपनी पंक्तियां पढ़ता है, कवि कविता पढ़ता है, शायर अपनी गजल या नज्म रखता है आपके हमारे सामने, और हम देखते हैं कि हॉल में आए लोगों में से कुछ हाथ उठा उठा कर ऐसा लगते हैं कि डूब गए, अरे वाह वाह वाह, उनके चेहरे के भाव आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल वो समझ गए कि जब कवि कहता है कि शायर कहता है कि डूब जा खुद में और पा जा सुरागे जिंदगी, अरे कमाल बात कही है साहब, वाह खुद में डूब जा, हाँ क्या मिसाल दी है, बाकी लोग उसको समझ, कुछ लोग, मैं किसी की विद्वता पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग उसको दाद से समझते हैं कि अरे ये बड़े बड़े मुशायरों में जाते हैं, कवि सम्मेलनों में जाते हैं, ये समझ गए यानी यहाँ पर दाद देनी, अरे वाह 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 वाह, लेकिन उनके चेहरे को आप गौर से देखेंगे तो हम में से अधिकांश लोग इस संसार में मुशायरों में या कवि सम्मेलनों में आए ऐसे ही रसिक श्रोता हैं जिन्हें कुछ बहुत पता नहीं होता। जी देखिए मैं आपको बताऊं, जी आपके उस उदाहरण से मैं खो गया तो मुझे एक यथार्थ उदाहरण ध्यान आया। मैं गंगा में स्नान करते हुए एक सहज व्यक्ति को देख रहा था, संयोगवश वो मेरा परिचित था, मैं उसके सन्निकट ही आसपास कहीं था, मेरी नजर पड़ गई कि वो इतने आनंद से कभी सूर्य को देख रहे थे, कभी गंगा में डुबकी लगा रहे थे, कभी सूर्य को देख रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा कि वहां पर बहुत सारे बड़े विद्वान और परिचित लोग स्नान कर रहे हैं, मेरी दृष्टि वहां थी, पन युवा का था। मैं वहां पहुंचा, मैंने कहा भाई साहब नमस्कार, बोले अच्छा अच्छा, नमस्कार किया। मैंने कहा आप देखिए मैं कब से आपके पास खड़ा हूँ, और वो फलाने भी खड़े हैं, ढिकाने भी नहा रहे हैं, ये हैं, और ये बोले ये गंगा को देखो यहाँ प्रकट भाव से आंचल फैलाए हुए यहाँ आई है, कब अपने को समय मिलेगा, तुम्हारा ध्यान तो स्नान में होना चाहिए, तुम यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हो, आओ फिर से मैया के आंचल में जाए। तो मुझे लगा वो स्नान कर रहे थे। नारद जी से मैया ने कहा वो रोज आते थे, मैया को प्रणाम करें और चले जाए, रोज आए प्रणाम करें तट पर आए और चले जाए। एक दिन मैया ही आ गई सामने, उन्होंने कहा भैया तुम बेटे रोज मुझे प्रणाम करके चले जाते हो, लोग देखो स्नान करते हैं। बोले मैया मैंने सुन रखा है आपके दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तो मैं डरा ये रहता हूँ कि मुझे केवल मुक्ति चाहिए, पता नहीं स्नान करूंगा तो तुम और क्या दे दोगी मुझे। आपके भाव ये भाव समझ गए आपने जीवन को, तो देखिए संसार में जो लोग समझ कर चले गए हैं वो समझा कर भी चले गए हैं अपने आप को, आपको भी समझना और समझाना स्वयं है, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको समझाने। जिस दिन जीवन की मन की इस वितंडावाद को आपने समझ लिया कि ये मन ही गुरु है, मन ही गुलाम बनाता है, मन ही दास बनाता है, मन ही बांधता है, और मन ही प्रसन्न हो जाए तो मुक्ति के पथ पर ले जाता है। अक्सर मैंने भी देखा है पवित्र नर्मदा नदी के किनारे कोई व्यक्ति आता है, बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे हैं, कई लोग ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं, अचानक एक कोई व्यक्ति आता है, स्नान भी नहीं करता है, जैसा उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया नारद जी का, तो नर्मदा मैया किनारे कान छूता है, आंखों में जल छलछलाते हैं उसके, कुछ अस्फुट स्वर में बुदबुदाता है मैया कृपा बनी रहे आपकी, मैया सब रक्षा करना मैया, पता नहीं क्या अनुभव कर जाता है कुछ क्षण में, जो हम नदी में स्नान करके, घंटों नदी में स्नान करके, ढेरों सेल्फी खींच के, फोटो खींच के भी नहीं कर पाते। हाँ बहुत सुंदर है नर्मदा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये हो रहा हो, और वो अस्फुट स्वर में बुदबुदा के प्रणाम करके, आंखों में जल भर के, पता नहीं क्या अनुभव कर लेता है, जैसे साक्षात उसने माँ नर्मदा को नदी में निकलते हुए देख लिया। और मुझे भी लगता है कि नर्मदा भी ऐसे ही भक्तों को देखती है। हम सब तो जाते हैं और ये दावा जरूर करते हैं, हमें सब समझ में आ रहा है, अच्छा अच्छा, तो यहाँ ये ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, ओहो हो हो, इसकी हिस्ट्री बताइए जरा। हम सब अज्ञानी हैं और कोई एक व्यक्ति है जो भावना के तल में मन से ऊपर उठकर श्रद्धावनत होकर डूबा हुआ है। इस अंतर को मिटाने की तैयारी आपकी हमारी अवश्य होनी चाहिए। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम। Yeah.